लोकसभा सीट की हम बात करेंगे, संजय भाई किस तरह के आंकड़े हैं कच्छ लोकसभा सीट के? कच्छ लोकसभा सीट के आंकड़े के बारे में हम देखें तो 2009 में मतदाताओं की संख्या थी 13,25,614, जिसमें 6,86,838 पुरुष मतदाता थे, 6,41,776 स्त्री मतदाता थे। 2014 में मतदाताओं की संख्या थी 15,33,782, जिसमें से पुरुष मतदाता थे 8,06,343 और स्त्री मतदाताओं की संख्या थी 7,27,439। और 2019 में देखा जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या है 17,43,813, जिसमें से 9,08,813 पुरुष मतदाता है और 8,35,000 स्त्री मतदाता है। अगर हम जाति पर हम देखें कि कितने मतदार कौन सी जाति के हैं, तो पाटीदार मतदाताओं 2,11,083 है, जो 12% उसका शेयर है। कोली मतदाता है 1,01,349, जो 5.81% उसका वोट शेयर है। उसके बाद 1,27,061 आहिर मतदाता है, जो 7.28% उसका वोट शेयर है। क्षत्रिय वोटरों की संख्या है 1,05,200, जो 6% उसका वोट शेयर है। दलितों के मत है वहाँ पे 2,05,023 मत है, जो 11.74% उसका वोट शेयर है। और मुस्लिम वोटर की संख्या है 3,17,855, जो 18.21 उसका वोट शेयर है। अदर जातियों के 6,78,101 वोट है, जो 38.84% उसका वोट शेयर है। 2009-2014 में जो वोटिंग हुआ था उसके आंकड़े हम देखें तो 2009 में टोटल 5,63,987 मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया था, जिसमें से 3,10,999 पुरुष मतदाता थे और 2,52,897 स्त्री मतदाता ने अपना मत का उपयोग किया था। 2014 में कुल 9,29,361 मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया था, जिसमें 5,19,100 मतदाता पुरुष थे और 4,23,463 स्त्री मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया था। अब परसेंटेज की ओर देखा जाए तो 2009 में 42.55% वोटिंग हुआ था, 2014 में 60.59% वोटिंग हुआ था, जो दो मतदाताओं की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है कच्छ सीट पर। अगर 53.5% 2019 के चुनाव में मतदान होता है, तो जो 2014 में जितनी मात्रा में मतदाताओं ने अपना वोट का उपयोग किया था, उतना मतदान हो जाएगा। ये थे कच्छ लोकसभा सीट के चुनावी आंकड़े।